बराहल जनपद में लगा सामाजिक अधिकारिता शिविर, बांटी गई मोटराइज्ड साइकिल और अन्य उपकरण। खबर कराहल से है, जहां जनपद पंचायत में सुबह 10 बजे सामाजिक अधिकारिता शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। जीवन में दिव्यांगता के चलते कठिनाई झेल रहे महिला पुरुष और बच्चों के जारी उपकरण पाकर खिल उठे। डॉक्टर कमल नैन ने बताया कि हमने कराहल में जनवरी में दिव्यांगता परीक्षण शिविर लगाकर इन लोगों का चयन किया था। अब 6 माह के अंदर ही हमने 25 मोटराइज साइकिल, 5 ट्राईसाइकिल, 4 व्हील चेयर, 30 बैसाखी इन चयनित दिव्यांगजनों को वितरित की है। आगे भी हम शिविर के माध्यम से इस कार्यक्रम को संचालित करते रहेंगे। शिविर के दौरान मोटराइज साइकिल वालों को हेलमेट भी प्रदान किए गए हैं और उन्हें समझाया गया कि हेलमेट लगाकर ही इसे चलाएं। इस अवसर पर कराहल जनपद सीओ अभिषेक त्रिवेदी, जनपद सदस्य ममता जारोलिया, बीजेपी मंडल अध्यक्ष मेहरबान सिंह यादव और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष फेरन यादव, महामंत्री बंटी चौहान, राम कुमार गुर्जर, फौरन यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बगैर हेलमेट लगाए घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हेलमेट हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा है, जिससे हमारा जान सुरक्षित रहेगा। और हेलमेट अगर जो लगाते आप लोग नहीं चलेंगे, रोड पे निकलेंगे, गाड़ी के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, जिंदगी से हाथ धो देंगे। तो हेलमेट लगा के आप लोग सीख लेना इसको, आराम आराम से हेलमेट लगा के और व्यवस्थित रोड पे आप लोग निकले। ये आज क्या कार्यक्रम जनपद में रखा गया है? ये सर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर था, हमारा वितरण शिविर था, जिसका कि हमने जनवरी माह में सभी दिव्यांगजन भाई लोगों का परीक्षण शिविर लगाया था। उसके उपलक्ष्य में जो भाई लोग चिन्हांकित हुए थे उपकरण के लिए, आज उनका हमने वितरण शिविर किया आयोजन, जिसमें कि 25 ट्राईसाइकिल, 5 लोगों के लिए ट्राईसाइकिल, बैसाखी और व्हील चेयर का वितरण आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 36 लोगों का पिछली बार उपकरण के लिए चिन्हांकित हुए थे, आज 36 लोगों का उपकरण वितरण होने जा रहा है। तो मतलब 6 महीने के अंदर ही इनका परीक्षण करके इनको ये सहायता जो दी है, जनवरी में हमने परीक्षण करा था, आज इसका हमने उपकरण वितरण का शिविर आयोजन किया। और ये सब हमारे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्पू जबलपुर से सब आयोजन किया जा रहा है, और आज हम जनपद कराहल में शिविर का आयोजन किए हैं। क्या आगे भी और ऐसे सहायता लोगों को मिलती रहेगी? जी जी बिल्कुल मिलता रहेगा, जब भी हमारे दिव्यांगजन भाई लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हमारा ऐसा शिविर लगते रहता है परीक्षण का। परीक्षण के उपरांत जो लोग चिन्हांकित होते हैं उनको हम उपकरण वितरण करते हैं।